जय माता दी दोस्तों, और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी अब ठीक ही हैं, आराम है जैसा है वैसा। और अभी थोड़ा सा आराम है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, और उसके साथ साथ दूसरी भी परेशानी बढ़ रही है। किडनी में स्टोन है ना, तो वो भी अब आके बढ़ रही हैं, तो उनको भी दिखाना है। अब ये इधर डॉक्टर और हस्बैंड को जाना पड़ा वहीं, क्योंकि उनका काम है। कब तक रुकते? तो अभी देखते हैं, उठेंगे हम तो दवाई खाएंगे। दवाई से सुबह होती है, शाम तक दवाई हो जाती है। और देखिए, हाथों पे स्वेलिंग आ गई, पता नहीं किस चीज़ से स्वेलिंग भी आ रही है फेस वगैरह पे। दोस्तों, हिम्मत नहीं होती है वीडियो बनाने की भी। चलिए, मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह आपको सबको डाल दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, दिखाती हूँ। क्या है कि यहाँ मैंने फैसला लिया था कि मैं इससे हटा के फिर से उसमें डाल दूँ, दूसरे अपने उसमें क्योरियम में, तो मैंने ये हटा कर डाल दिया। उसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा होगा। इतने सारे बच्चे जिंदा हैं और वो खा नहीं पाई। मैंने कल ही उनको अपने बच्चों से हटवा दिया था, इसमें से तो इतने सारे बच्चे बच गए हैं। और ये डिसीजन मैं पहले से ले लेती तो ज़्यादा सही था, तो येलो वाले और ज़्यादा बच जाते। अब क्या है कि इसमें लाइट वगैरह है और भी छिपे हुए हैं, तो ये इतने सारे बच्चे हैं इसमें। और मैंने इसको इस वाले केरियम में डाल दिया है। और इसमें क्या है कि मतलब कोई और दूसरी वाली जो है बच्चे नहीं दे पाई, तो इसमें बच्चे दे दिए, तो इसमें से भी बच्चे खा लिए हैं। अब मैं कहाँ तक इनको बचा सकती हूँ? जितना मेरे से बचा पाए थे तो मैंने बचा लिए हैं। और इसमें अभी लाइट नहीं लगाई है, लाइट लगा दूंगी इसमें। देखिएगा, ये घूम रही है इसमें। ये छोटा है तो ये ऊपर रहती है। दोस्तों, ये है शाम का टाइम और तबीयत ठीक होने की बजाय और भी थोड़ी सी मतलब ठीक तो हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मेरी तबीयत ख़राब है और सबसे ज़्यादा मुझे पथरी है वो परेशान कर रही हैं। दोस्तों देखिएगा, तो ये है, देखो ये इधर पत्नी परेशान कर रही है। और मैंने एक वीडियो में डाल रखा था, किसी ने बताया था कि कोई वहाँ राजस्थान में, तो उन्होंने ये दिया था, उससे कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, आप अच्छे से आप डॉक्टर को दिखा दो, ये निकालने वाले कहीं नहीं निकाल पाते हैं। जो झाड़ फूँक करने वाले कोई नहीं पतली को निकाल पाता, वो डॉक्टर को दिखा दोगे टाइम से तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने गलती की दोस्तों कि मैंने उस टाइम नहीं दिखा पाई। और अब मैं इधर ये कार्डियोलॉजी की दवाई चल रही है। ये दोस्तों इस तरीके से हाँपनी आ जाती है, तो हार्ट वाली ये दवाई चल रही है। इससे थोड़ा सा आराम जैसे ही मिलता है तो मैं तुरंत अपने ये फ्री में स्टोन है उनको मैं दिखा दूँगी। और दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच किया करो। जानती हूँ कि कुछ नहीं है उसमें DIY वगैरह न रेसिपी। तो दोस्तों, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चल के मैं त्यौहार आ रहा है तो नई नई चीज़ें डालूंगी, जैसे है डेकोरेशन का है, रेसिपी वगैरह काफ़ी हैं। तो चलिए दोस्तों, फुल वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परेशानी आती है तो सब तरह से आती हैं,
मेरे दादा ससुर की फ़ोटो यहाँ लगी थी, वो दादा ससुर हैं, उनकी फ़ोटो लगी थी। वह अचानक क्या हुआ दोस्तों, अचानक उसका फ्रेम टूट गया है, तो मैं ही लेके गई थी उनको वो फ़ोटो को डालने। दोस्तों उनको भी बनवाऊँगी क्योंकि एक ही फ़ोटो है उनकी, तो दोस्तों उनको भी बन वो फ़ोटो को भी बनवाऊँगी। तो कहते नहीं है परेशानी सब जगह से आती है। चलिए दोस्तों देखिए, दोस्तों ये टंगे टंगे हमारे दादा ससुर हैं, उनकी ये फ़ोटो पता नहीं कैसे काफ़ी पुरानी भी है और ये निकल गई है, तो आज हम इसको रिपेयर कराने ले जाएंगे। और यहाँ मेरे बाहर वाले रूम में टंगी थी ये तस्वीरें, तो ये है, तो ये काफ़ी पुरानी है, तो ये यहाँ से निकल गई है, आज मैं इसको ठीक कराने ले जाऊँगी। चलिएगा किस तरीके से देखिए दुकान वाले इसको ठीक करते हैं, पर मैं इनको इसको तस्वीर को ठीक कराने ले जाऊँगी। और बड़ी बेटी की भी तबीयत थोड़ी सी, उसको भी जुकाम वगैरह, बच्चों की भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा सा कल मुझे आराम मिल जाएगा तो मैं बच्चों को भी दिखाने जाऊँगी। और दादा ससुर की भी फ़ोटो देखो, पास में एक शॉप है, तो मैं आज देखो डलवाऊँगी और वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। आप मेरा, मैंने बताया है कि आप मेरा, और जैसे भी डॉक्टर आप लोगों की नज़र में हो, जैसी भी बात हो कमेंट में ज़रूर बताना। और जय माता दी दोस्तों, खुश रहो, खुशी से खुश रहिएगा, सभी लोगों का ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, जय माता दी।